गाइस, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सतीश राव और आप देख रहे हैं एसआर रोबोटिक्स। एसआर रोबोटिक्स में आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। मैं बेसिकली इसको बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, ये ओनली सेलिंग के लिए है। और इस प्रोजेक्ट को आप चाहे तो खरीद सकते हैं। ये बीटेक लेवल का है, एडवांस है, लेटेस्ट है 2019 के हिसाब से, और ये अप्रूव भी हो जाएगा आपके कॉलेज के अंदर, क्योंकि स्मार्ट इरीगेशन सिस्टम तैयार किया गया है इसके अंदर। आपको इसके अंदर वाईफाई के थ्रू आपके फ़ोन पे पूरा मॉनिटरिंग मिल जाएगा कि आप खेतों के अंदर अपने प्लांट्स को पूरा मॉनिटर कर सकते हो। टोटली ये IoT पे बेस्ड है। तो हमने यहाँ वाईफाई मॉड्यूल लगाया है। सबसे पहले बता देते हैं इंट्रोडक्शन। इसमें रिलेस लगाए हैं दो, एक रिले हमारे पंप के लिए है, दूसरा रिले हमारे लाइट के लिए है। यहाँ पे लाइट सेंसर, ये लाइट लगाई है। इस लाइट का मोटिव क्या है कि जब प्लांट्स को सन की रोशनी नहीं आ रही है, धूप नहीं निकल रही है, प्लांट को सन की ज़रूरत हो, तो हम लाइट्स भी चालू कर सकते हैं ऑटोमेटिक सेंसिंग के तहत। ऑटोमेटिक चालू हो गए। यहाँ लाइट सेंसर लगाया है ताकि इसी की मदद से ऑपरेट हो सके। LCD 16:2 का यूज़ किया हमने इसके अंदर। इसके अलावा हमने एक रेन सेंसर लगाया ताकि बारिश भी आए तो हमें ऐप पर नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा यहाँ टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए हमने यहाँ पे ये ST11 लगाया हमने, सॉरी DST11 लगाया हमने, ह्यूमिडिटी सेंसर ये। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक सॉइल मॉइस्चर सेंसर लगाया है जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये ड्राई पे है अभी, ठीक है। ड्राई का मतलब ये ऑटोमेटिकली पंप को चाहिए, यहाँ पंप लगाया ताकि इसको ऑपरेट कर सके हम। ओवरऑल स्मार्ट है पूरा का पूरा। मैं इसको वर्किंग बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैंने इसके लिए 12 वोल्ट का अडेप्टर लगाया। मैं जैसे इसको कनेक्ट करूँगा, मैं ये सिस्टम चालू हो जाएगा। मैंने इसको पावर दिया, ठीक है। इसके अलावा हमने यह सिस्टम कनेक्ट कर दिया। अब मुझे ऐप को डाउनलोड ऐप को एक्टिवेट करना पड़ेगा। पहले मैं अपने वाईफाई से इसको कनेक्ट करूँगा। फ़ोन का वाईफाई मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ ताकि इसके वाईफाई से कनेक्ट हो जाए। एडवांस है, आपको अगर ख़रीदना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप इसे बुक कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से भेज दूंगा बना के। ये आ गया हमारे पास कनेक्टिविटी, ये इसके वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है। राइट क्लिक कर रहा है। अब उसके बाद मैं इसका डेटा जो सर्वर, यहाँ पर सर्वर शो कर रहा है, ये लोकल सर्वर क्रिएट किया गया है। अब इससे कनेक्टिविटी हो रही है। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ डेटा शो होने लग जाएगा सारा का सारा मॉनिटरिंग। मैं आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। अभी कनेक्टेड आएगा, थोड़ा टाइम लेता है ये वाईफाई कनेक्टिविटी के अंदर। अब कनेक्टेड देखिए, यहाँ पे आ रहा है नो ट्रेनिंग। अभी मैंने यहाँ पे नो ट्रेनिंग आ रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। मैं स्क्रीन को रोक के दिखा देता हूँ, अभी आप इसको रीड करें। सबसे पहली बात नोट, बारिश नहीं हो रही है अभी, ठीक है। मॉइस्चर लेवल 2% है, इसलिए पंप एक्टिवेट है। इसलिए ये पंप एक्टिवेट है क्यों? क्योंकि ये मॉइस्चर लेवल 0 पे, अभी 2% पे ही है। यहाँ पे नमी है ही नहीं, मतलब ड्राई में, अभी यही मैं आपको बताना चाहता है, ड्राई के अंदर है। जब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और यहाँ डेटा भेज देगा। अभी नॉर्मल दिखा रहा है। लाइट हमारा जो है अभी लाइट प्रॉपर है, तो इसकी लाइट प्लांट्स को लाइट्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ जो हमने लाइट्स लगाया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है यहाँ पे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर 69, और ये इसके थ्रू शो कर रहा है मैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम इसको रेन, जब पानी बारिश आए तो भी यहाँ पे हम यह शो कर सकते हैं। यहाँ पे नॉट रेनिंग की जगह रेनिंग हो जाएगा या वार्निंग दे देगा अपन को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इस पंप को बंद करके दिखाता हूँ कि कैसे हम अगर प्लांट्स को पानी ऑटोमेटिक पानी देंगे तब अपने आप ही बंद हो जाएगा। जैसे जैसे ही मैं इसके अंदर पानी डालूंगा, देखना आप, ठीक है। ये पानी की बोतल, मैं इस सोयल सेंसर में जैसे ही पानी डालूंगा ये पंप ऑफ हो जाना चाहिए और डेटा हमें भेज देगा ये, ठीक है। ठीक है, हमने पानी डाला, हमें प्लांट्स में पानी मिल गया है, इसने डेटा भेज दिया। आप देखना यहाँ पे सोयल मॉइस्चर 2% जो आ रहा है वो बढ़ जाएगा मॉइस्चर लेवल, ठीक है। या मॉइस्चर 75% आ गया, देखिए आप, अपडेट है एकदम रियल, 75% आ गया, मतलब इसके अंदर नमी है, कोई पानी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये बंद है ऑटोमेटिक, ठीक है। ये सेटअप मैंने ऐसा कर रखा है पूरा का पूरा। अब इसके अलावा मैं आपको दूसरी चीज़ चेक करा देता हूँ। अभी भी देख लीजिए 68% मॉइस्चर लेवल आ रहा है, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर आ रहा है। अब मैं आपको ये लाइट वाला पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अभी LDR की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है हमारे पास 636 आ रही है। LDR की वैल्यू 385 आ रही है लगभग, ठीक है। वापस देखते हैं, LDR की वैल्यू 526 आ रही है। अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अब जैसे ही, अभी तो दिन हो रही है तो इन प्लांट्स को, जो भी हमने प्लांट्स लगाए हैं, इनको प्रॉपर पानी मतलब धूप मिल रही है। लेकिन अगर मान लो अंधेरा हो गया या वेदर रहे, सुबह से शाम तक धूप नहीं निकल रही है, लेकिन प्लांट्स को अगर सन की ज़रूरत है, मतलब लाइट की ज़रूरत है, तो हमने यहाँ लाइट्स लगाई हुई हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर थोड़ा अंधेरा होएगा, अंधेरा करने के लिए मैं कुछ कवर कर देता हूँ इसको, एक सेकेंड, ये मैं पेपर रख देता हूँ। यहाँ पे लाइट सेंसर लगा हुआ है, जैसे मैं इस पर ये रखूँगा पेपर तो अंधेरा हो गया और हमारी ये लाइट्स ये चालू हो जानी चाहिए थी और डेटा इस पर सेंड हो जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं इसको, LDR की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, स्क्रॉल करने पे चालू कर देते हैं, स्क्रॉलिंग चालू हो जाएगी। छुपाना पड़ेगा, थोड़ा अंधेरा करना पड़ेगा ज़्यादा। ये देखिए लाइट्स हमारी जो चालू हो चुकी है, ये लाइट्स दिख रहा है आपको।
अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ये लाइट ऑफ हो गई है, लेकिन जैसे मैं इसमें अंधेरा करूँगा तो ये हमारा लाइट चालू हो जाएगा। वापस देखते हैं, देखिए लाइट चालू हो चुकी है, मैंने अंधेरा कर दिया अपने हाथों से। मतलब प्लांट्स को रोशनी की ज़रूरत है, धूप की ज़रूरत है, सनलाइट की ज़रूरत है, हमने लाइट्स भी दे दी है तो लाइट ऑन हो चुकी है और डेटा आपको यहाँ दिख जाएगा। अब मैं स्क्रॉल को रोक देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको आपको समझाने के लिए बताता हूँ, देखिए यहाँ पे आ रहा है डेटा, क्या आ रहा है आपके पास कि लाइट जो है 1018 पे पहुँच चुकी है, ठीक है। लाइट यहाँ पे लाइट इसमें लो लाइट आ रहा था इसलिए एक्टिवेट कर दिया गया है, ये लाइट को एक्टिवेट कर दिया गया है। अदरवाइज ये नॉर्मल कंडीशन में लाइट डे लाइट पर चलता है, देखिए नॉर्मल कंडीशन पे। अभी अभी क्या वैल्यू देगा ये, स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे, देखो अभी नॉर्मल लाइट पे, इसलिए यहाँ पे क्या क्लिक आ रहा है, नॉर्मल लाइट LDR वैल्यू इतनी। लेकिन जब इस पर हम अंधेरा करेंगे तो ये हमारा क्या कर देगा, नॉर्मल लाइट लो लाइट पे आ जाएगा। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ और वापस अंधेरा रख रहा हूँ, ठीक है। देखिए लाइट्स ऑन हो चुकी है नीचे, अब यहाँ पे भी डेटा ये शो करेगा लो लाइट। यहाँ देखिए स्क्रॉल में, देखिए लो लाइट आ रहा है लिखा हुआ। तो ये हमारी टेस्टिंग होगी इसकी। तो अब इसके अलावा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, अभी मैं सबसे फिलहाल तो अगर जैसे बारिश होती है तो बारिश के अंदर सबसे पहली बात दिखा दूँ मैं आपको, यहाँ नोट रेनिंग लिखा आ रहा है, लेकिन जब बारिश होएगी तो यहाँ पे, तो अब मैं पानी की बूंदें लेके सेंसर पर डाल रहा हूँ, बारिश अलार्म भी बजा देगा ये, ठीक है। देखो अलार्म बजने लग गया है, अब यहाँ पे लिखा भी आ जाएगा रेनिंग वार्निंग, ये देखिए रेन वार्निंग, मतलब बारिश होना चालू होगी। पहले क्या था हमारा नॉट रेन, अब आ गया रेनिंग, ठीक है। ये देखिए कंटिन्यूसली अपडेट देता रहेगा ये, लेकिन जब मान लो इसके अलावा और ज़्यादा आ जाएगा तो कंटिन्यू रेनिंग दिखेगा, और ज़्यादा बारिश हुई तो कंटिन्यू रेनिंग दिखा देगा सिस्टम के अंदर। देखिए यहाँ पे रेनिंग चेंज हो गया, पहले रेन वार्निंग आ रहा था, अब ये बारिश कंटिन्यू हो रही है इसलिए यहाँ रेनिंग लिखा आ गया। ओके सो अभी ये वाला भी हमारा टेस्ट हो चुका है, इसको साफ करना पड़ेगा ताकि ये रुक जाए, ठीक है। हम इसको स्क्रॉल कर देते हैं, हमारा रेनिंग शो हो रहा था, अब यहाँ नॉट रेनिंग आ रहा है देखिए नीचे, क्यों, क्योंकि हमने बारिश रुक चुकी है तो नॉट रेनिंग लिखा आ रहा है, ठीक है। टोटल पूरी अपडेट मिल रही है इसके अंदर, ऐप के अंदर, ठीक है। ये ओवरऑल ये हो गया, इसके अलावा टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, अब इसको रब करोगे तो अभी टेम्परेचर देख लेते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पर टेम्परेचर आ रहा है 62 और 24 आ रहा है, ह्यूमिडिटी आ रहा है 62 और 24 टेम्परेचर आ रहा है। जब मैं इसमें फूकूंगा तो इसका जो है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा, फूकने के लिए मुझे फूक मारनी पड़ेगी इसके अंदर, मैं फूक मारता हूँ, ठीक है। मैंने फूक मारा, अब स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। 95 ह्यूमिडिटी आ चुकी है, देखिए मैंने जब यहाँ पे फूक मारी, टेम्परेचर 28 पे हो चुका है, ह्यूमिडिटी यहाँ पे 95 पे पहुँच चुकी है, ठीक है। तो ये भी अपडेट हो रहा है पूरा का पूरा डेटा। सॉइल सेंसर वाला वर्क कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया आपको, अभी यहाँ पे जब ये मिट्टी सूख जाएगी, यहाँ जो मिट्टी लगी है सूख जाएगी तो पम्प हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए पंप एक्टिवेट हो चुका है हमारा, पंप एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन जब ये मिट्टी में आएगा, जब नमी अंदर आएगा, पानी इसके अंदर आ जाएगा, तो ये पंप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो एडवांस है, फाइनली हमारा ये कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट। कैसा लगा आपको प्रोजेक्ट मुझे बताइए, और इसको खरीदना है तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे प्रोजेक्ट। ये भी किसी का ऑर्डर था इसलिए मैंने इसको तैयार किया है। थैंक यू वेरी मच मुझसे जुड़े रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए।